दोस्तों, वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर में यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। इसी के बीच एक नई न्यूज़ निकल के आई है, खास करके उन यात्रियों के लिए जो स्लीपर या कि फिर एसी में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए। यदि ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी समय अगर आप बीमार होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में रेलवे ने इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में क्या होगा कि टीटी से संपर्क करके आप दवाएँ ले सकते हैं। करीब करीब 8 प्रकार की ज़रूरी दवाएं जो है कि टीटी के पास होंगी और इन दवाओं को आप टीटी से ले सकते हैं, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि इस दवा के लिए टीटी आपसे 50 रुपये तक चार्ज कर सकता है। मीन्स कि 50 रुपये दे करके आप कोई भी अगर हल्का फुल्का बीमार हो गया या कोई चोट लग गया तो इस प्रकार आपको परेशान नहीं होना है। ऐसी परिस्थिति में आप टीटी से वहाँ पर दवा ले करके दवा कर सकते हैं। इसी बीच एक और न्यूज़ निकल के आई है कि जैसे कि आपको पता है कि स्लीपर में यदि आप यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट कन्फर्म नहीं है तो आपको अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और आपको जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा। इस दौरान आपसे चार्ज लिया जा सकता है अगले स्टेशन तक का, और उसके बाद 240 रुपये, करीब करीब 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो जनरल कोच में यात्रा करें और समय रहते आप अपना टिकट जो है कि कैंसिल करवा लें ताकि आपको आपका पैसा मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।